हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों, अगर आप भी मेरे बालों की तरह अपने बाल चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चमकीले काले लंबे बाल, तो आज का ये मैजिकल फॉर्मूला ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको क्या करना है, लेना है करी लीव्स। करी लीव्स को हम मीठी नीम की पत्तियाँ बोलते हैं, जो कि हमारे बालों में काफ़ी अच्छा जो है हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में, और हमारे बालों की जो खास तौर पे टूटने झड़ने की समस्या होती है उसको ख़त्म करता है। बालों को बहुत ही ज़्यादा मोटा घना बनाता है, बाल जैसे दुमहे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उसको भी ये सही करता है। तो करी लीव्स आपको ईजिली मिल जाएगा, किसी भी सब्जी वगैरह के शॉप में जाते हैं ना, वहाँ पे करी लीव्स ज़रूर से ज़रूर मिलता है। अगर आपके पास करी लीव्स की पत्तियाँ नहीं है, तो इसकी जगह पे अगर आपके पास नीम है, नॉर्मल जो नीम की पत्तियाँ होती वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसको मीठी नीम की पत्तियाँ बोलते हैं, क्योंकि इसको खाने पीने की चीज़ों में, खासतौर पे साउथ में बहुत ही ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साउथ के लोगों का जो बाल होता है बहुत ही ज़्यादा काला घना और बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा बाल होता है। इसका रीज़न यही होता है कि उधर के लोग इसका सेवन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो आपको करी लिप्स की पत्तियों को लेना है, कुछ पत्तियाँ ले ले, उसको एक बर्तन में डाल लें फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको लेना है चाय का पत्ती। चाय का पत्ती दोस्तों हमारे बालों में जो खोई हुई चमक है उसको वापस लेके आता है। अगर आपके बाल बहुत ही जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो सफ़ेद बालों को भी ये कवर करता है, बाल में एक नेचुरल कलर ऐड करता है। तो यहाँ पे 1 से 2 चम्मच आपको जो है चाय का पत्ती लेना है। अगली सामग्री आपको लेनी है मेथी दाना। मेथी दाना को हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं दोस्तों। हमारे बालों का टूटना झड़ना रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, और हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है मेथी दाना। तो मेथी दाना आपको ईजिली से भी मिल जाएगा। मेथी दाना, कलौंजी, ये सभी चीज़ें हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मेथी दाना का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों बाल। तो हमेशा आपको अपने घरों में ज़रूर मेथी दाना रखना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे DIYs जो है बालों से रिलेटेड सब में यूज़ होता है, तेल बनाने में, हेयर सीरम बनाने में, हेयर मास्क बनाने में बहुत ही ज़्यादा। तो 1 चम्मच आपको मेथी दाना डाल के 1 ग्लास यहाँ पे भर के पानी डालना है, और इन सभी चीज़ों को आपको 8 से 10 मिनट तक बहुत ही अच्छे से उबालना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम से मैजिकल हेयर सीरम रेडी हो जाएगा दोस्तों, एकदम से ज़बरदस्त। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो 8 से 10 मिनट आपको अच्छे से उबालना है इसको, उसके बाद इसको अच्छे से छान सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं। कलर देख के आपको लगेगा, जब इस कलर को अपने बालों में लगाओगे तो बाहर से कोई भी हेयर डाई हेयर कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों में एक नेचुरल शाइन लेके आता है। उसके बाद आपको लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में अरंडी का तेल भी हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बालों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। जहाँ पे भी बाल आपके नहीं है वहाँ पे बाल उगाता है, जैसे अगर आपके आईब्रोज वगैरह में नहीं है वहाँ पे भी आप कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें मिक्स कर दें, इसको बहुत ही अच्छे से ठंडा कर ले। अब इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। हमेशा तो आप शैम्पू करते ही करते हैं, जब भी आप शैम्पू करते हैं वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर शैम्पू करें। ये एक नॉर्मल हेयर, अगर आप अपने बाल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वीक में 2 बार ज़रूर अपने बालों को साफ़ करें। अगर आपके स्कैल्प साफ़ सुथरी रहेगी, क्लीन रहेगी, तो हेयर फॉल्स नहीं होंगे, डैंडरफ नहीं होंगे, समस्याएं कम होगी, तो बाल आपकी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो वीक में 2 बार ज़रूर शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद काफ़ी अच्छे से जब बाल वॉश कर लेते हैं, रिंज कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इस वाले पानी से भी आपको अपने बालों को रिंज करना है। और रिंज करने के लिए दोस्तों इस तरीके से आप अपना इसको रिंज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग लगता है कि इसको एजिटी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ते हैं या फिर इसको रिंज करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका पानी आपके कपड़ों को ख़राब कर देगा, तो 10 से 15 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट बाद इसको नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ को छोड़ दीजिए, फोल्ड करके रखिए अपने बालों को, और फिर उसको सुखा लीजिए। बाल में जो एक अलग सी शाइन आएगी, चमक आएगी, मैं बता नहीं सकती हूँ, बालों की खूबसूरती बढ़ेगी दोस्तों, बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी। आप देखिए कितना बढ़िया वाला कलर दिख रहा है, बाल खूबसूरत लंबे काले भी हो जाते हैं। मेरे बाल बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। इसका सीक्रेट बहुत सारी DIYs है, एक को मैं क्रेडिट नहीं दूंगी, सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। आज का ये मैजिकल DIY भी काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। घरेलू नुस्खा कभी कोई नुकसान नहीं देता है फ्रेंड्स, आपके बालों के लिए हमेशा अच्छा ही होगा।
ट्राई ज़रूर करिए और अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। और भी ऐसे अगर वीडियोस अगर आप मेरे चैनल पे चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट्स के वीडियोस भी आते हैं, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। एक मिनट का वीडियो रहता है, बहुत ही जल्दी आप उसको देख करके फ्री हो सकते हैं। तो वीडियो देखना चाहते हैं शॉर्ट्स और या फिर डिटेल वीडियो, तो दोनों हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।